आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन है H2S ऑन कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन फॉर्म्स मेनली। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि H2S जब पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन करती है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाती है। तो कंबशन कोई और प्रोसेस नहीं बल्कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ही कंबशन कहते हैं। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है यानी H2S, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करती है, तो हमें क्या मिल जाता है। तो हमें मिल जाता है SO2 और H2O। क्या मिल जाता है? SO2 और H2O, ये दो चीजें मिल जाती हैं हमें। क्यों? क्योंकि ये जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। वहीं सल्फर की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाती है और क्या बना देती है, ये बना देती है SO2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे यही पूछा गया है कि H2S कंप्लीट कंबशन पे ऑक्सीजन के साथ क्या देती है। तो H2S कंप्लीट कंबशन पे ऑक्सीजन के साथ क्या दे देती है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O यानी कि वाटर। और जनरली जो ये कंपाउंड होता है ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, वाटर में सॉल्यूबल होती है SO2। तो अब क्या होगा कि ये एसिड रेन का भी एक रीजन हो जाती है। 0.41 ग्राम पर 100 ml में ये क्या होती है, सॉल्यूबल होती है जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वहीं 0.255 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूबल होती है जब 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये इजिली सॉल्यूबल होती है वाटर में, इसीलिए ये एक रीजन होती है एसिड रेन की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, H2O एंड SO2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।